आज हम बात करेंगे किसान का साथी, किसानों का साथी यानी बैल के रूप में जो ट्रैक्टर बोलते हैं, छोटा ट्रैक्टर जिसका नाम है पावर टिलर। पहले के ज़माने में लोग बैल रखते थे लेकिन काम एक महीने लेते थे और पूरा साल खिलाना पड़ता था। धीरे धीरे लोगों ने बंद कर दिया क्योंकि मेहनत बहुत ज़्यादा करना पड़ती थी और वर्क और काम बहुत कम होता था। लेकिन आज बैल को फिर पाल सकते हैं दूसरे रूप में, टेक्नोलॉजी के रूप में, जिसका नाम है पावर टिलर। यह एक ऐसा छोटा यंत्र है, छोटा ट्रैक्टर के रूप में है, जो कि आपका निराई गुड़ाई कटाई रोटावेटर कल्टीवेटर प्लाउ टाली सब कुछ काम कर सकता है। जैसा कि आप वीडियो में देख पा रहे हैं, ये रोटरी बंधा हुआ है रोटावेटर, कितना बेहतर तरीके से खेत के जुताई भी कर रहा है, मिट्टी को भुरभुरी कर रहा है, मिट्टी को काट कर छोटे छोटे टुकड़ों में कर रहा है और खेत को संपूर्ण रूप से तैयार कर सकते हैं। अगर खेत में खर पतवार ज़्यादा है, कूड़ा करकट ज़्यादा है, तो ये पावर टिलर चलाकर पूरे से पूरे खेत की जुताई होगा और रोटावेटर पूरा मिट्टी में पूरे खर पतवारों को छोटे छोटे टुकड़े में बांट कर और मिला देगा, जो कि खाद का रूप भी बन जाएगा और खेत बिल्कुल तैयार हो जाएगा। अगर आप बगीचे की जुताई गुनाई करना चाहते हैं और खरपतवार नष्ट करना चाहते हैं, तो इस पावर टिलर से आप संपूर्ण रूप से बहुत कम मेहनत में कर सकते हैं, क्योंकि आपको एक एकड़ खेत की जुताई करना या रोटावेटर चलाना कल्टीवेटर चलाना प्लाउ चलाना कुछ भी यंत्र चलाएंगे, मात्र 1.5 लीटर पेट्रोल में आप एक एकड़ ज़मीन को पूरा जुताई कर सकते हैं, रोटावेटर चला सकते हैं, संपूर्ण रूप से खरपतवार जुताई निराई गुड़ाई सारा काम इस रोटा आप पावर टिलर से कर सकते हैं। जैसा कि हम तो आपको लाइव डेमो दिखा रहे हैं, आपको देखकर भी बहुत अच्छा लगता है कितना अच्छा मिट्टी को काट कर एकदम तैयार कर देता है। यह किसानों के लिए बहुत ही उपयोगी यंत्र है, जहाँ पर आप सब्जियों की खेती करते हैं, गार्डनिंग करते हैं या बड़े स्तर पर करते हैं, जो छोटे गाटे बीच में खाली हो जाते हैं, किचन गार्डनिंग में खाली हो जाते हैं, फावड़ा से आप काम नहीं कर पाते, तो आप इस यंत्र का प्रयोग कर आप उपयोग कर सकते हैं। इसमें 3-4 टूल्स लगते हैं। पहला, आप इसमें कल्टीवेटर बांध कर जुताई कर सकते हैं। दूसरा, अगर हरी खाद की पलटाई करना है, ढांचा सनई बोए हैं पलटना है उसको, तो इसमें प्लाउ बांध कर आप डिस्क प्लाउ से पलट सकते हैं। और तीसरा, अगर खरपतवार ज़्यादा हैं तो आपको प्लाऊ के माध्यम से पलट देंगे और नीचे दब जाएंगे और सड़ जाएंगे, खाद बन जाएगी और मिट्टी भुरभुरी हो जाएगी और उपजाऊ आपका उत्पादकता बढ़ जाएगी, मिट्टी उपजाऊ ज़्यादा हो जाएगी। और जुताई के बाद मिट्टी में ढेले ज़्यादा हैं तो इसका रोटावेटर रोटरी बांध कर आप चला दीजिए, पूरा मिट्टी एकदम भुरभुरी बना देगा, जिसमें आपका कहते हैं सब्जियों की खेती आलू की खेती अच्छे से कर सकते हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, यह इस समय लाइव डेमो है, आप देख भी पा रहे हैं कि रोटावेटर बंधा हुआ है और कितने बेहतर तरीके से किसान भाई अपना रोटावेटर से अपनी जुताई और कटाई दोनों कर रहे हैं। इसमें जो धान के खेत के जो अवशेष ठूंठ बचे हुए हैं उसको भी काट कर एकदम मिट्टी में मिला दिया कि पेड़ के अवशेष भी खाद का रूप ले लिए और खेत के कार्बनिक पदार्थों को बढ़ा दिए। अगर आपको किसी भी फसल की कटाई करना है तो इसमें रीपर भी लगता है, आप इसमें रीपर लगा दीजिए, 4 से 5 फीट चौड़ा काटता है, मात्र 600 ग्राम में आपको एक एकड़ खेत की कटाई 1 घंटे में कर देता है। विश्वास नहीं मानेंगे, बहुत ही अच्छा और लाभकारी पावर टिलर होता है, जिसका कीमत आपको 50,000 से चालू होता है, लगभग 7.5 हॉर्स पावर का और 15 से 25 हॉर्स पावर तक आता है। लेकिन छोटे किसानों के लिए 7.5 हॉर्स पावर का जो इस समय लाइव डेमो चल रहा है, देख रहे हैं चल रहा है, यह 7.5 HP का है, जो कि 1 घंटे में मात्र 600 ग्राम तेल खाता है और एक एकड़ से एक बीघे से एक एकड़ खेत का जुताई पूरा कर देता है मात्र 600 ग्राम में। तो इससे सस्ता और इससे बढ़िया आपको निराई गुड़ाई जुताई मिट्टी चढ़ाने के लिए कोई यंत्र नहीं हो सकता किसान भाई। तो सभी लोग इस पावर टिलर को देखें, इसका लाइव डेमो देखें, इसको उपयोगिता को समझें और सभी लोग इसको पावर टिलर को जिसको ज़रूरत हो खरीद सकते हैं। और जिसको पावर टिलर के बारे में जानकारी चाहिए और कहाँ से प्राप्त होगा कैसे मिलेगा, तो हम आपको प्रोवाइड भी कराएंगे। जैसा कि स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं कि मोबाइल नंबर आपको कॉन्टैक्ट संपर्क सूत्र दिया है, आप इस नंबर से बात करके इसके पूर्ण जानकारी ले सकते हैं और इसको आप भी कर सकते हैं।
यह पावर टिलर डीजल इंजन में भी है और पेट्रोल इंजन में है। किसान अपनी सुविधा के अनुसार जो तेल जहां पर उपलब्ध है, आप डीजल पावर टिलर ले सकते हैं और पेट्रोल पावर टिलर ले सकते हैं। लेकिन जिसका लाइव डेमो आप देख रहे हैं, यह पेट्रोल पावर चलित पावर टिलर है और डीजल चलित भी पावर टिलर आता है। लेकिन पेट्रोल चलित पावर टिलर में मेंटेनेंस चार्ज बहुत कम होता है, न के बराबर होता है। एक बार इसमें आप लुब्रिकेंट आयल, इंजन आयल और गियर आयल डालने के बाद यह 50 से 70 घंटा चलता है। उसके बाद इसकी आपको पल्टी करना पड़ता है, जो कि 1 से 1.5 लीटर लगता है। पेट्रोल 1 घंटा में आपको लोड के अनुसार 500 ग्राम से लेकर 750-800 ग्राम तक खाता है, जो कि 1 एकड़ काम करता है। और जो डीजल पावर टिलर होता है वो थोड़ा सा खरीदने में भी महंगा होता है और उसका मेंटेनेंस चार्ज ज़्यादा होता है। उसकी जो अश्वशक्ति ताकत होती है वह पेट्रोल के मुकाबले कुछ कम होती है, क्योंकि पेट्रोल इंजन में ताकत बहुत ज़्यादा होता है, डीजल इंजन में उसके अपेक्षा ताकत कम होती है। तो जैसा कि आप नंबर स्क्रीन पर चल रहा है, आप देख भी पा रहे हैं, इससे संपर्क कर सकते हैं, पूरा जानकारी ले सकते हैं इसके बारे में। और हम सजेस्ट आपको सलाह यही देंगे कि अगर पावर टिलर आपको लेना है तो आप पेट्रोल पावर टिलर भी लीजिए, डीजल वाला पावर टिलर कम बेहतर पड़ेगा। और हर किसान भाई अपने सुविधा के अनुसार, अपने बजट के अनुसार 5 HP पावर टिलर से लेकर 25 HP का आता है, जो कि मीडियम किसान 7.5 HP का लेते हैं, और इससे बड़े किसान 10.5 HP का, 12.5 HP का और 15 HP तक का पावर टिलर उपलब्ध है। अपने सुविधा अनुसार आप लोग पावर टिलर लेकर इस छोटे से यंत्र से आप समस्त कार्य कर सकते हैं। मुझे आशा है कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।